धनतेरस सबसे प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे देश में बेहद उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर लोग विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में शामिल होते हैं और भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वे अपने घर के बाहर दिए और मोमबत्तियां जलाते हैं। हर साल धनतेरस दिवाली से दो दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस बार धन त्रयोदशी 10 नवंबर यानी आज मनाई जा रही है। धनतेरस के दिन नए बर्तन, सोना चांदी के आभूषण खरीदने की भी शुभ मान्यता है। ओडिशा सरकार ने विश्व कौशल केंद्र के दूसरे परिसर की स्थापना के लिए ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए। अधिकारियों ने बताया कि इस विश्व कौशल केंद्र की स्थापना और प्रबंधन के लिए सिंगापुर की ITE एजुकेशन सर्विस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। धर्मनगरी अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला विग्रहण के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित होंगे। शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह का औपचारिक निमंत्रण दिया। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन को सही बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सरकार ने एक वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकार ने बताया कि इससे सड़कों पर भीड़ कम हुई है। प्रदूषण के चलते दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाले उन ट्रकों का प्रवेश बंद है जो गैर जरूरी सामान लेकर आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के कई मंत्री इस समय दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर जा पहुंचे हैं और ट्रकों की जांच कर रहे हैं। नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में रात भर हुई बारिश से निवासियों को कुछ राहत मिली, क्योंकि जहरीली धुंध साफ हो गई है और हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है। मौसम एजेंसी को उम्मीद है कि रविवार को दिवाली से पहले प्रदूषण में और कमी आएगी। दिवाली का त्योहार आ चुका है और इस बार फिर से दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अयोध्या में नरक चतुर्दशी के मौके पर 11 नवंबर को अयोध्या में 24 लाख दियों को एक साथ जलाकर रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारी है। इस दौरान अयोध्या में सरयू नदी के तट पर 24 लाख दियों से रोशनी की जाएगी। मुंबई में एक टोल प्लाजा पर एक तेज रफ्तार कार ने कई खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा में दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के उच्च स्तर के बीच दिल्ली यातायात पुलिस ने बिना PUC प्रमाण पत्र के वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ एक दिन में 1300 से अधिक चालान जारी किए।